वेलकम आपका आज की क्लास के अंदर। तो हम पहला वाला प्रयोग हम करेंगे। आई होप आपको पुरानी वाली क्लास समझ में आ गई होगी, प्रीवियस क्लास समझ में आ गई होगी। तो अब जो हम करने वाले हैं वो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करना सीखेंगे कि हम कैसे चीजों को कन्वर्ट करते हैं। तो इधर देखिए, आपको यदि दे दिया जाए कि 10 मीटर प्रति सेकेंड को, या फिर मैं आपको बताऊं एमके सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में आपको किसी चीज को चेंज करना है, एमके सिस्टम से सीजीएस सिस्टम के अंदर किसी चीज को हमको चेंज करना है। एमके सिस्टम है, ये कैसे पता चलेगा कि वो एक मीटर में, किलोग्राम में, सेकंड में होगी, या सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड में होगी। अभी मैं किस टाइप से हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो चेंज करने का प्रोसीजर हम आपको समझा देते हैं। जैसे ही इस प्रोसेस को मैं आपको समझाऊंगी, आपके कुछ न्यूमेरिकल सामने आएंगे आपकी बुक के अंदर, ठीक है। उन न्यूमेरिकलों को आप एक से दूसरी चीज के अंदर चेंज करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इस क्लास के बाद आपको कुछ न्यूमेरिकल का पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि बुक वाले न्यूमेरिकल किए जाए, क्योंकि 11th क्लास के अंदर तो IIT PMT के पैटर्न के आधार पर बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए गए हैं जिनका वास्तविक साथ से कोई लेना देना नहीं है। वो न्यूमेरिकल आपसे सिर्फ तभी हो सकते हैं जब आप हायर लेवल की एजुकेशन कर रहे हो। सिर्फ अगर 11th क्लास को पास करने के लिए आप एजुकेशन कर रहे हैं तो आप उन न्यूमेरिकल्स को नहीं, टच भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि थ्योरी बेसिस पर नहीं होगी। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ानी पड़ती है। जो थ्योरी आपकी बुक में दे रखी है सिर्फ वो सफिशियंट नहीं है आपको कराने के लिए। और यदि इतना डीप स्टडी हम 11th के अंदर करने लग गए तो आपका कोर्स रह जाएगा इनकम्प्लीट। तो कहने का मतलब क्या है कि कहने को तो IIT PMT 11th और 12th का एक मिश्रण होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 11th और 12th से 3 गुनी ज्यादा आपको डीपर नॉलेज देनी होती है, तब जाके हम IIT PMT के लेवल के न्यूमेरिकल्स को कम्प्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ हम वैसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 11th क्लास पढ़ा रहे हैं और 11th क्लास के अकॉर्डिंग ही आपको नॉलेज दी जाएगी। फाउंडेशन बैच हमारे बिल्कुल अलग चलते हैं, तो यहाँ हम उस चीज को मिसमैच नहीं करेंगे। तो जितने न्यूमेरिकल, जिस लेवल के न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगी, आप उन्हीं तरीके के न्यूमेरिकल आप करेंगे। और देखना आपके जो स्कूल लेवल के जो एग्जाम है उसमें पेपर अपने अकॉर्डिंग ही बनेगा। कोई टेंशन लेने की बात नहीं, चाहे किसी भी स्कूल के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो। मैं सिर्फ किसी एक ग्रुप की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी स्कूल के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ कि पेपर के अंदर 90 से 95% पेपर अपना ही आएगा। इतने विश्वास के साथ मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैं 11th क्लास के टीचर की मेंटेलिटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। 11th क्लास में यदि कोई टीचर पढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 11th क्लास के ही लायक है सिर्फ, या वो सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के ही लायक है। लेकिन एक मेंटेलिटी हर टीचर की फिक्स होती है कि फाउंडेशन क्लासेस के अंदर PMT IIT लेवल के अंदर एजुकेशन का लेवल कितना ऊंचा है, 11th और 12th के अंदर एजुकेशन का लेवल कितना कम है, ठीक है। जितना आपकी बुक में दिखाई दे रहा है थ्योरी और डेरिवेशन हम उसी अकॉर्डिंग करते हैं, बट न्यूमेरिकल कभी भी हम उसके अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। बिकॉज न्यूमेरिकल्स में हमें 10 मल्टीप्लाई एफर्ट करने पड़ते हैं आपको थ्योरी समझाने के लिए, जो थ्योरी इसके अंदर होती भी नहीं है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं आप उसी तरीके से लेंगे। और यदि किसी बच्चे को और डीप नॉलेज की जरूरत है तो वो हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकता है। बाकी स्टूडेंट, मैंने आपको सही शब्दों में सब कुछ समझा चुकी हूँ। यदि आपको कोई भी चीज बुरी लगे तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, क्योंकि मैं क्लियर आपको पहले ही बोल देना चाहती हूँ। ये चीज झूठ या फरेब में नहीं रखना चाहती कि हाँ 11th 12th का कोर्स करते ही IIT हो जाती है। आप मेरे से नहीं, उन बच्चों से खुद से जाके पूछिए जो 11th 12th के बाद फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर रखे, IIT कर रहे हैं, वो कहेंगे 11th 12th का तो टॉपिक के अलावा कुछ है ही नहीं है उसके अंदर, इतनी डीप नॉलेज होती है, ठीक है बेटा। तो आप किसी और से अपने आप को कंपैरिजन करने से पहले ये जरूर देख लें अपने मन के अंदर कि हम क्या करना चाहते हैं, उसके बाद आप दूसरों से अपने खुद की कंपेयर करें। पहली बात तो हर एक बंदा अपने आप में यूनिक है, ठीक है। तो हम एमके सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में इसको कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। आपको दे दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड किसी चीज की वेलोसिटी है, इसको आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, मतलब कि 10 सेंटीमीटर पर इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे आप इसको बताइए, कैसे चेंज करेंगे? चेंज करने का फर्स्ट मेथड, कैसे करेंगे देखिए, यहां वेलोसिटी वी कितनी दे रखी है 10, फॉर्मूला होता है एन
जो चीज आपको दे रखी है पहले उसकी डायमेंशन निकालिए। वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस टू। पता है आपको क्या होता है? पर एम जीरो होता है, एल वन होता है, टी माइनस टू होता है। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है? ये दे रखा है एन वन, जो दे रखा है वो क्या है? एन वन एम की पावर जीरो, एल की पावर वन, टी वन की पावर माइनस टू। एन टू जो आपको फाइंड करना है, एम टू की पावर जीरो की वेलोसिटी में तो फाइंड करना है, तो ये बिल्कुल पावर बिल्कुल सेम रहेगी। एल टू की पावर टू, टी टू की पावर माइनस टू, एन वन अपॉन एन टू, एम वन अपॉन एम टू की पावर जीरो, एल वन अपॉन एल टू की पावर वन, टी वन अपॉन टी टू की पावर माइनस टू। ठीक है, एन वन ये दिया हुआ है टेन, टेन अपॉन एन टू। ये मास किसमें दिया हुआ है? ये तो जीरो हो गई पावर, तो मास को तो हम खत्म कर दें। लेंथ की बात करते हैं, लेंथ किसमें दी हुई है इसके अंदर? मीटर में। इसमें किसमें चाहिए हमें? सेंटीमीटर में। टाइम सेकंड में, सेकंड में माइनस टू। इसको उतार लो पहले पूरा, ये उतार लो फिर बताते हैं आपको। नोट कर लिया? आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी, थोड़ी सी आवाज आएगी क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अब देखिए, टेन अपॉन एन टू, एक बात ध्यान रखनी है हमें, सेंटीमीटर में चेंज करनी है चीजों को, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे? 100 सेंटीमीटर। इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपको किस में चेंज करना है। ठीक है, वन सेकंड का सेकंड में तो बिल्कुल कट गया, वन की पावर माइनस टू वन ही रहेगा, तो ये तो हो गया फिनिश। टेन अपॉन एन टू, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, यहां बचा 100। टेन अपॉन हंड्रेड एन टू, एन टू कितना आया? 0.1 सेंटीमीटर सेकेंड, 0.1 सेंटीमीटर सेकेंड, ये रहा इसका आंसर। आया समझ में? बहुत सिंपल है, सिंपल है ना? अब आप कहोगे कि मैं बुक वाले करा दूं, तो बुक वाले तो आप खुद करोगे। मैं आपको और क्वेश्चन समझाती हूँ, एक और क्वेश्चन समझाते हैं इसी फॉर्मूले पे। ठीक है, इसी मेथड के ऊपर आपको और फॉर्मूले समझाते हैं कि देखो आपको काम आएगा। फोर्स का होता है, फोर्स इसको छोड़ते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है ना, स्मॉल जी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये आपको पता है। ठीक है, इसको आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, मतलब कि सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? बताइए। वैसे हमने एक छोटी सी प्रॉब्लम करी है कि जब हमने वेलोसिटी की डायमेंशन निकाली थी तो एम नहीं आ रहा था, एल टी माइनस वन आ रहा था। तो जहां आपने एल टी माइनस टू कराया ना, बस उसको एल टी माइनस वन से सॉल्व कर लेना, माइनस टू की जगह माइनस वन कर देना। ठीक है, बस इतना सा अंतर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे माइंड में था तो डायमेंशन इसी की लिख दी मैंने। ये एमकेएस में है क्योंकि आपको मीटर दिख रहा है।
और आपको सीजीएस के अंदर इसको चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, वही देखिए इसकी डायमेंशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं, तो एक्सीलरेशन की क्या है, एल वन टी माइनस टू, देखिए वो इसकी है डायमेंशन। तो माइनस टू की जगह पावर वन माइनस वन कर लेना, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो गया ये। अब देखो एन वन कर दे, डायरेक्ट फॉर्मूला एन वन अपॉन एन टू, एम वन अपॉन एम टू जीरो, एल वन अपॉन एल टू वन, टी वन अपॉन टी टू माइनस टू। ठीक है, एन वन कितना है 9.8, नीचे लिख दो एन टू, ये तो जीरो हो गया। एल वन लेंथ किसमें है, मीटर में, ये किसमें निकालनी है, सेंटीमीटर में। ठीक है, उसके बाद टाइम सेकंड में है, ये तो यहां भी सेकंड, तो कोई चेंज नहीं आएगा इधर। अब कीजिए देखो, ये तो बिल्कुल फिनिश, 9.8 अपॉन एन टू, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ठीक है, डायरेक्ट हम इससे सॉल्व कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम, बस अब आगे आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व खुद करेगा। दूसरा तरीका, हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सेकंड मेथड, डायरेक्ट करो। देखो इसको कैसे करोगे, इस टाइप से सीजीएस में कन्वर्ट करना है। आप इसी मेथड को यूज में लोगे, मेथड आप ये वाला यूज में ले लेना, और जो आपके क्वेश्चन है ना, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि मैम फर्स्ट वाले मेथड से अलग वैल्यू आ रही है, सेकंड मेथड से अलग वैल्यू आ रही है, अलग वैल्यू नहीं आएगी आपको। जब तक समझ में नहीं आएगा ना ये चीज, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो जो आपके बुक के क्वेश्चन है ना, वो मैं इसी तरीके से कराऊंगी, तब आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप ये वाला मेथड कर लेना, बहुत इजी मेथड है। देखिए सीजीएस में चेंज करना है, 9.8 का 9.8 रहने दो, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लिख दो इसको 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। तो देखो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करना है ना, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, ये आ गया, सेकंड को सेकंड में ही रहने दो, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रहा इसका आंसर डायरेक्ट। और यदि आप फर्स्ट मेथड से करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको लगेगा कि ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये आंसर रॉन्ग है, और वो मैं आपको बुक के क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगी कि वो गलत क्यों है, ये सही क्यों है। ठीक है, बहुत सारे और क्वेश्चन करते हैं हम, और क्वेश्चन आप किसी भी चीज को चेंज कर लीजिए, जैसे कि 50 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको सीजीएस में चेंज करो, 50 का 50 रहने दो। अब किलोग्राम का ग्राम होता है सीजीएस में, मीटर का सेंटीमीटर होता है, और सेकंड का सेकंड रहता है। एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट मेथड मैं आपको अच्छे से और समझाऊंगी, तब आपको क्लियरली आएगा, अदरवाइज आपके पॉइंट्स की प्रॉब्लम आती रहेगी। पॉइंट की प्रॉब्लम क्यों आ रही है वो मैं बताऊंगी आपको, हम क्या कर रहे हैं उसको उल्टा कर रहे हैं, तो उल्टा करने में हम कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम करते ना, तभी प्रॉब्लम आती है। अब देखो यहाँ तो बिल्कुल एक्चुअल आंसर निकलेगा इसका, तो ये मेथड आपके लिए सही है, आप इसी मेथड से सारे क्वेश्चन करोगे। फर्स्ट मेथड थोड़ा सा कंफ्यूजन का हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट तभी होगा जब मुझे दोबारा नहीं समझेंगे। ओके, तो जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं आपको उसी मेथड से समझाऊंगी उसको, अभी जो इजी है हम उससे कर लेते हैं। सेकंड को सेकंड में रहने देते हैं, कितना हुआ, 5
10 की पावर 3, 10 की पावर 2 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कितना हुआ 5 इंटू 10 की पावर 6 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कीजिए इसको। अब इसको मैं आंसर को फर्स्ट मेथड से लाके दिखाती हूँ आपको, फर्स्ट से कैसे आएगा। पहले इसको उतार लो, देखिए इसको चेंज करें, वो 980 वाला मैं दोबारा समझा दूं आपको। देख फर्स्ट मेथड दोबारा समझिए, कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए हमने ये लिया था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका आंसर आ रहा है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका आंसर आ रहा है, हमको यही आंसर चाहिए इसका। ठीक है, तो ध्यान रखें आपको ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है, n2 is equal to n1, वही है ये n1 upon n2 वाला, m1 upon m2 की पावर a, l1 upon l2 की पावर b, t1 upon t2 की पावर c, फॉर्मूला वही है पूरा का पूरा। कैसे करेंगे, क्या होता है इसका LT-2, यही होता है LT-2। तो देखो यहां पर a कितना है 0, पावर ही नहीं है इनकी, तो b कितना है 1, c कितना है -2, n2 is equal to n1 9.8, इसको तो लिखेंगे ही नहीं, l1 मीटर, l2 सेंटीमीटर, पावर 1 सेकंड, सेकंड पावर -2। बेटा बताओ वही फॉर्म बन रही है ना, तो बस वही बननी थी, प्रॉब्लम क्या थी, बट डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, आपको वो समझ में नहीं आए तो आप डायरेक्ट, एक चीज को करने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन आप बहुत सारे तरीकों से कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं सोचती हूँ कि छोटे से छोटा इजी से इजी मेथड में आपको समझा सकूं, और ये हमको पता रहता ही है कि आपको कौन सा समझ में आ सकता है कौन सा नहीं। सेकेंड मेथड जो है ना वो आपकी शायद आप यदि किसी स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं तो हो सकता है कई टीचर्स को वो लगे कि ये तो डायरेक्ट कर दिया, ये तो कंपटीशन एग्जाम के तरीके से कर दिया, तो आपको नंबर नहीं मिले, इस मेथड से करोगे पूरे नंबर मिलेंगे। देखो n2 इज इक्वल टू 9.8, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर 100, और ये तो कट ही जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं है, 100, 980 आ गया आपके आंसर 980। हुआ कंफ्यूजन क्लियर, उतारिए इसको, कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में तब तक ही रह सकता है जब तक आप उसको जगह देंगे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, अदरवाइज नहीं रहेगा। अब हमें एक और करते हैं, दोनों मेथड से करेंगे उसको, ठीक है। हम क्या लें, वर्क ले लेते हैं कोई, वर्क ले लो, ठीक है, या फोर्स ले लेते हैं, फोर्स ले लेते हैं, फोर्स दे रखा है आपको 5 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम न्यूटन बोलते हैं, ठीक है, और हमको चेंज करना है ये सीजीएस में, तो किलोग्राम का तो ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर और सेकंड का सेकंड ही रहेगा, तो पहले हम डायरेक्ट आंसर निकाल लें 5
किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे 1000, मीटर को सेंटीमीटर चेंज करेंगे 100, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 5 है, 5 ये तो हो गया। बहुत जल्दी हमने आंसर निकाल लिया। फर्स्ट मेथड से आपको करना सिखाती हूँ इसको, किसी भी चीज में कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी। अभी आपने समझ लिया ना, तो जितने भी चेंजिंग करने वाले हैं ना वो सारे हो जाएंगे। जरूरी नहीं है सीजीएस एमकेएस से सीजीएस में चेंज करो, सीजीएस से एमकेएस में भी चेंज कर सकते हैं। बस वहां पे क्या अंतर होगा कि जब मीटर को चेंज करना पड़ा था, यहाँ पर सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आपको वो भी समझा दूंगी मैं, है ना। तो देखो क्या होगा, एन टू इज इक्वल टू एन वन, एम वन अपॉन एन टू ए, एल वन अपॉन एल टू बी, टी वन अपॉन टी टू सी। फोर्स की पावर क्या होती है, डायमेंशन, एम वन एल टू टी माइनस टू, यही होती है क्या। बना लो, अगर नहीं भी आती तो देखो, मास एक्सीलरेशन एम एल टी माइनस टू, ये होती है। ए क्या है यहाँ पर, वन, बी क्या है वन, सी क्या है माइनस टू, एन टू इज इक्वल टू एन वन कितना है फाइव, मास ये है किलोग्राम में और ये है ग्राम में। ए की पावर वन है ना, इसलिए मास को चेंज, मास को नहीं हटाया हमने, जो जीरो होता है ना उसको हटाते हैं। ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, पावर हुई वन, ये सेकंड में और ये भी सेकंड में, पावर हुई माइनस टू। यहाँ पर ये गायब होगा सर, एन टू इज इक्वल टू फाइव, एक किलोग्राम में 1000 ग्राम, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, आगे के 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2, सेम आंसर 10 की पावर 5। अब आगे अच्छे तरीके से क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है। एक चीज और आती है कि जो फोर्स की जो एमकेएस होता है, फोर्स जो होता है इसको हम एमकेएस में न्यूटन बोलते हैं, वहीं सीजीएस में ये होता है डाइन। ध्यान रखना, फोर्स को जो एमकेएस में होता है उसकी यूनिट होती है क्या होती है, न्यूटन, और वहीं सीजीएस में इसकी यूनिट होती है डाइन। इसको याद रखना, क्वेश्चन आता है न्यूटन को डाइन में चेंज करो, तो न्यूटन को डाइन में चेंज करने के लिए कैसे करोगे, एमकेएस को सीजीएस में चेंज कर लेना,